हे गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज आज इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप के रीडिंग करने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस टाइप की रीडिंग मिलती रहेंगी। तो लेट्स बिगिन। तो गाइज आज की जो एडिटिंग है ये हम करने वाले हैं स्नैपसीड में। अगर आपके पास स्नैपसीड ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्नैपसीड को ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपना फोटो यहाँ पर लाना है। तो इस टाइप से आपको फोटो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो ब्लैक एंड व्हाइट है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको डार्क का ऑप्शन मिल जाएगा तो उसको आपको सिलेक्ट करके इसकी जो ब्राइटनेस है -19 कर लेनी है। तो वहाँ से -20 होगी तो आपको -19 करके इसको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, तो इस पर आपको क्लिक करके यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा विव एडिट्स का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहां पर आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट है तो इस पर आपको क्लिक करके यहां पर आपको एक ब्रश का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस टाइप से आपका फोटो फिर से आ जाएगा। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे जो है व्हाइट एंड ब्लैक का, जो ये सर्कल वाला ऑप्शन है यहां पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस टाइप से आपका फोटो फिर से आ जाएगा। तो अपने फोटो को जूम करके अपने फेस पर इसको रब कर लेना है। तो इस टाइप से मैं यहां पर जूम कर लेता हूं और यहां पर अपने फेस पर ऐसे इसको रब कर लेना है। तो इस टाइप से आपको भी यहां पर रब कर लेना है। तो गाइस यहां पर हम इसको पहले रब कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको रिमूव कर दिया। ऐसे ही आपको भी रिमूव अपने फेस पर ये कलर रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको बैक चले जाना है और यहाँ पर आपको फिर से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा व्हाइट बैलेंस का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर जो इसका जो टेम्परेचर इसको माइनस यहाँ पर कर लेना है -23 तक। तो इस टाइप से -23 करने के बाद आपको यहाँ पर टिंट को इंक्रीज कर लेना है 5 तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 5 तक इंक्रीज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको फिर से टूल्स के ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पोर्ट्रेट का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर पोर्ट्रेट में आपको क्या करना है, फेस पोर्टलेस आपको बढ़ा देना है 25 तक। तो यहाँ पर 25 इंक्रीज करने के बाद जो स्किन स्मूथनेस है इसको आपको इंक्रीज कर लेना है 15 तक। उसके बाद जो यहाँ पर आई क्लियरिटी है इसको आपको ऐसे ही रहने देनी है। उसके बाद आपको टिक कर लेना है और उसके बाद फिर से आपको जाना पड़ेगा टूल्स के ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको ट्यून इमेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके आपको ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 9 तक। उसके बाद जो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा एम्बियंस पर और इसको आपको थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना है 12 या 10 तक। तो गाइज इसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर लेना है और यहाँ पर जाना पड़ेगा टूल्स के ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डबल एक्सपोजर का। और जो मैं डबल एक्सपोजर में इमेज यूज़ करने वाला हूँ उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके ये वाली इमेज यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेनी है। उसके बाद जो यहाँ पर बीच वाला ये ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके लाइटन पर क्लिक कर लेना है और इस टाइप से आपका जो इमेज है आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके ऊपर इस रिवर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा व्यू एडिट्स पर और यहाँ पर करना पड़ेगा डबल एक्सपोजर पर क्लिक और यहाँ पर इस ब्रश पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है, इस पर आपको फिर से क्लिक करके जहाँ पर भी बॉडी पार्ट्स पर ये इमेज आ चुका है इसको आपको रिमूव कर लेना है। तो इस टाइप से यहाँ पर मैं रिमूव कर लेता हूँ, उसी टाइप से आपको भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर भी आपकी बॉडी पार्ट्स पर ये इमेज आ जाएगा उसको आपको रिमूव कर लेना है। तो इस टाइप से आपको रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा बैक और यहाँ पर आपको फिर से कर लेना है टूल्स पर क्लिक और यहाँ पर आप एक ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर आपको डिटेल्स का, तो आपको डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इसलिए आपको बढ़ाना है ताकि आपका जो फेस है अच्छा आ जाए, तो स्ट्रक्चर को आपको 16 इंक्रीज कर लेना है और जो शार्पनेस है इसको आपको थोड़ा सा इंक्रीज करके +6 कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इमेज कितना ऑसम आ चुका है। तो हम इसका प्रिव्यू देख लेते हैं। तो गाइज ये हमारा जो इमेज पहले में था और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट होने के बाद हमारा इमेज कैसा बन चुका है। तो गाइज उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब मस्त है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज आज का वीडियो इतना था, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।